बीकानेर में 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हेरिटेज वॉक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महोत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। इस दौरान लोक कलाकार अलग अलग क्षेत्रों के लोक नृत्य और गायन की प्रस्तुति दे रहे हैं। महोत्सव में देशी विदेशी सैलानी भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। देश विदेश से आए टूरिस्ट उस हेरिटेज वॉक का में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सभी बहुत खुश थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं महीनों पहले से आरंभ कर दी थी और यहां आए हुए सभी टूरिस्ट, चाहे वो भारत के किसी भी अन्य स्टेट से आए हो या विश्व के किसी भी देश से आए हो, सभी इस हेरिटेज वॉक को, इस फेयर को, इस कैमल फेस्टिवल को इंजॉय कर रहे हैं। आज भी कार्निवल जस्ट स्टार्ट होने वाला है तो आप देख रहे हैं भारी संख्या में बीकानेर निवासी भी आए हुए हैं और टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आगाज आज हेरिटेज वॉक के माध्यम से हुआ है। ये आज के दूसरी एक्टिविटी है जहाँ पर बीकानेर कार्निवल के माध्यम से कुछ मनोरंजक आकर्षक प्रस्तुतियाँ होंगी, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों को आम लोगों के साथ साझा किया जाएगा। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, आने वाले समय में और ये बड़े रूप में होगा। सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बिंदु है, यहाँ पे उत्सव होते रहते हैं और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसके केंद्र में यही है कि स्थानीय सभ्यता संस्कृति को प्रमोट किया जाए। पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैयार है और आप सबों से अनुरोध है कि आप उमंग और उत्साह के साथ इसको मनाएं। Amazing, it's very beautiful, it's very authentic, it's my first time on the Camel Festival in Rajasthan, in Bikaner. Bikaner is the most beautiful town in Rajasthan and it's very, very nice. Most beautiful festival I have ever seen. Thank you so much. So colorful, so beautiful, so happy people. Thank you. और ये